गुस्से में लग रहे बहुत, किसी ने कूट दिया का? बेटा हमको कूटा नहीं, धोया है। किसने धोया? प्रिंसिपल ने धोया। बेटा थोड़ा कायदे में बात कर लो, हमको धोने को औकात नहीं किसी की। अरे झूठ बोल रही है, हम खुद देख के आए अभी। प्रिंसिपल सर को इनका लड़ाई हो रहा था ऑफिस में। वैसे सर किस बात पे हुई लड़ाई? छुट्टी मांगा था हमने, एक छुट्टी मांगा था हमने एक दिन का, पीट दिया हमको। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? सर आप इस्तीफा दे दीजिए, इससे आप प्रिंसिपल से भी बच जाएंगे और हम आपके पकाने से भी बच जाएंगे। हम पकाते हैं। तैयारी सर जी। क्या हो गया? कह रहे घंटी बजने में कितना टाइम बचा है अभी। कौन सी घंटी? पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में, मतलब दिल के बारे में। क्या बात है सर, वाह, आज तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। बेटा जो लप्पर लगाएंगे ना कि जो दिल हाथ में लेके बैठे हो, वो दिल वापस अंदर घुस जाएगा। मार के दिखाओ। दिखा दिया, अब खुश? सर जी जब लिल्ली मैडम की शादी हो गई थी तब तो आपका दिल भी टूटा होगा। हाँ बेटा टूटा तो था। तो सर चिपकाए किससे? बताया भी तुमको किससे चिपकाए थे। मुंह भी तुम्हारा वही चीज, जन्म का बदला ले रहा है ऊपर वाला हमसे। इस जन्म में कम पाप होगा, इस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा पापी तो आप ही हो भैया। हम पापी हैं? हाँ। हमने कौन सा पाप कर दिया बे? घर में खुद के पत्नी होते हुए टीना मैडम के पीछे पीछे नहीं घूमते होगा स्कूल में। बेटा उनसे हम प्यार करते हैं, इसमें पाप कैसा? भैया तुम पियो तो गंगा जितना फेंकना शोभा नहीं देता तुमको, पाप लगेगा देखना। अरे रावण को थोड़ी पाप लगेगा। कौन रावण है वे? ले आओ। रावण अपना नाम भी भूल गया। अबे तुम रावण हो कि गजनी, बाकी के नौ सर कहाँ है तुम्हारे? बाहर नैन मटक के कर रहे होंगे और क्या। देखो बेटा हम शरीफ और सीधे साधे इंसान है, दिवाली पर हम ये सब नहीं करते। दशहरा पे तो करते हो ना यार। जा रहे हम यहाँ से बदतमीज लोग कह के। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे तुम्हें, पैसे तो देते जाओ। अरे जब कुछ लिए नहीं तो पैसे किस बात के। ठीक है फिर चलो, तुमको एक स्पेशल ऑफर देते हैं हम दिवाली पे। अच्छा कैसा ऑफर? कैसा तो बेटा बताओ, कैसे हो तुम सब? क्या हो गया सर, इतना प्यार से बात कर रहे? तीनों बार हमने सुन तो नहीं दिया। बेटा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? टीना मैडम हमको काय सुतेंगी बे? और बेटा सुतेंगे तो हम तुमको। सूत के दिखाओ। सूत कहीं का? बेटा बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम लोग, क्लास में टीचर खड़े हैं, हैं? फिर भी ना प्रणाम ना गुड मॉर्निंग, बिना नहाए धोए चले आते हो बस मुंह उठा के। हमको ना बोले सर, क्योंकि हम एक दिन में 8 बार नहाते हैं। सर जी अब हमको पता चला कि पानी कहे नहीं आ रहा है घर में 7-8 दिन से। बेटा तुमको देख कर लग भी रहा है कि 7-8 दिन। ये देखो एक सुअर यहाँ सो भी रहा है, जरूर बताओ जाएगा। अबे तेरी कान है बे, नींद खराब कर रहा है सुबह सुबह, जाके अपना काम करना बदतमीज। अब आया नींद या तकिया ला दे तुम्हारे लिए, या कहो तो कंबल रजाई सब कुछ ला देता तुम्हारे लिए। अरे नहीं सर, इतने तकलीफ की क्या जरूरत है, एक तकिया ला दीजिए बस, आ जाएगी नींद। बदतमीज। अरे भाई साहब आप यहाँ पर? बेटा हम तुम्हारे कोई भाई साहब वाई साहब नहीं है। माँ कसम ये तो गजब हो गया, पहली बार किसी बंदर को बतियाते देख रहे हम। ये भैया ये कुछ खरीदने नहीं आए हो तो निकलो यहाँ से। बेटा मिठाई खरीदने आए, वो भी पैसों से। अब तक क्या भीख मांगते थे का? यार तुम मिठाई दे दो किलो, दिवाली पर घर ले जानी हमको। आ तो लाओ 300 रुपए। अबे ओए अबे ओए अबे ओए, दिमाग भिन्ना क्या है का? अभी तो 150 रुपए किलो बोल रहा था, 300 रुपए कैसे हो गया? हाँ तो 150 का टाइम जो। भैया मिठाई कैसे दिए? मीठी दिए। बेटा हम भाव पूछ रहे हैं, मिठाई क्या कभी तीखी होती है? हाँ तो बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? क्या बोला? वही जो तुमने सुना है, 150 रुपए किलो। बेटा तुम इससे बात कर लियो, तुम जानते नहीं हो हमें। जानकर भी क्या कर लेंगे हम जानते हैं इनको। आखिरी बार इनको नीम
नीम के पेड़ पर केले का ही खाएंगे बे? काय के बंदर हो, दांत दिखाओ। बेटा ज्यादा बदतमीजी ना करो हमसे, तुम जानते नहीं हो हमें। ए भैया ए, काय पकड़ कर टाइम पास कर रहे हो हमारा? क्या चाहिए वो बताओ ना। नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे बताओ। चल निकल, भाग्य से भाग। दिवाली के अवसर पर फोकट का माल चाहिए बस इनको। वैसे भाभी जी को देखकर एक गाना याद आ गया हमको, कहिए तो सुनाए भाभी जी। अरे हाँ टीटी जी, सुनाइए, एकदम सुनाइए। अब तुम्हारे कहने पे काम करेंगे हम, हैं? कौन हो बे तुम, प्रधानमंत्री हो का? भाभी जी अब गाना सुनिए। कटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लू तेरी विकेट विकेट। आप तो बड़े अच्छा गाना गा लेते भाई साहब। तुमको बड़ा गाना पसंद आ रहा? ये टीटी, टिकट देख लो और दफा हो जाओ यहाँ से। भूल गए क्या? उसमें एक नहीं दो टिकट हैं। कहाँ है दो टिकट? एक ही तो है, वो भी भाभी जी का। लगता है कहीं गिर गया है ससुरा टिकट। क्या बोल रहे थे भाई तुम लोग? बिना टिकट के सफर करने में शर्म आनी चाहिए। आओ दिखाते अभी कितने शर्मिले।